काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाउंसर और सुरक्षा कर्मी बेलगाम हो गए हैं। ये लोग कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर मनमानी करने पर उतारू हो गए हैं। इनको किसी भी प्रकार की कानून का भय नहीं है। ये लोग आए दिन तीमारदारों, मरीज के साथ, पत्रकारों के साथ भी गाली गलौज करना और मारपीट करते हैं। इनके लिए ये आम बात हो गई है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी कमिश्नरेट की पुलिसकर्मी कार्यवाही नहीं करती। आज ताजा मामला उस समय हुआ जब एक अमृत विचार का पत्रकार BHU ट्रॉमा सेंटर में मरीज को देखने पहुंचा था। प्रहलाद पांडे, जो कि अमृत विचार के रिपोर्टर हैं और बालाजी कॉलोनी थाना लंका के मूल निवासी हैं, इनके द्वारा बताया गया कि BHU ट्रॉमा सेंटर से अपने परिचित से मिलने जा रहे थे। पहले से ही खुले खाए सुरक्षा कर्मी ने अचानक से गाली गलौज देते हुए मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। क्या कुछ बताया पीड़ित ने, आइए आपको सुनाते हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रहलाद पांडे है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और मैं सामने घाट लंका थाना अंतर्गत निवासी हूँ। क्या घटना घटी आपके साथ? ये BHU ट्रॉमा सेंटर में, हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वहाँ के जो मंडल गार्ड हैं वो आए दिन मरीजों के साथ भी मारपीट करते हैं और आम जनता के साथ भी, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, आए दिन सबके साथ मारपीट करते हैं। वैसे आज मैं किसी अपने परिचित बीमार के मिलने के लिए गया था, तो वहाँ का जो एक नाम तो नहीं पता, शायद सुनने में आ रहा दीनानाथ और दूसरे का नाम मुझे नहीं पता चल रहा, कि दो गार्ड थे जो हमारे साथ अभद्रता करते हुए मारपीट करते हुए और लेकर गए घसीटते हुए गला दबा करके अंदर चैम्बर में भी मारे, जो मुझे सर में भी चोट लगा हुआ है और मेरा मोबाइल और मेरे जेब में पैसे रखे हुए थे वो सब हमारे निकाल दिए। हाँ, उसका मैंने 100 नंबर पर भी सूचना किया, 112 नंबर पर भी फोन किया था, 112 नंबर भी आई वहाँ कही, लेकिन वो गार्ड वहाँ से भाग चुके थे। मैंने हालांकि तहरीर मैंने यहाँ पे लंका सचिव को मैंने दे दिया है, वो रिसीव तो करके और चले गए साथ मीटिंग करने के लिए, बोला कि मीटिंग में जा रहा हूँ, कल इसकी कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे अब इसके बारे में तो कल ही पता चलेगा। घटना चुकी BHU की है, BHU के चीफ डॉक्टर से क्या बात हुई? उनके जो चीफ डॉक्टर से किसी की बात नहीं है, सारे लोग माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको मैनेज कर लीजिए, लेकिन हमको मैनेज नहीं करना है। लंका थाने से मुझे मुकदमा लिखवाना है, बस यही चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में और किसी के साथ ऐसी घटना न घटे। अभी दो दिन पहले भी जो है, हाँ आए दिन अभी देखेंगे कि पत्रकार है आपके लाइव वेलनेस के अमकार नाथ जी, उनके साथ भी ये घटना घटी है कि दो बाउंसरों ने मारपीट किया है उनके साथ और उनका चैन वगैरह भी छीन लिए है, उसके खिलाफ भी मुकदमा के लिए पंजीकृत है। अब उसके लिए जो अभी तक गिरफ्तारी हुई है वो भी नहीं हुई है। इस तरीके से अगर छोड़ दिया जाए तो वो मनभर हो जाएंगे और आए दिन ये घटना करते रहेंगे। तो गार्ड के अभी भी ट्रामा सेंटर में ही है? हाँ, गार्ड अभी ट्रामा से, उनको अभी बता दे बात से ये पता चला कि उनको भगा दिया गया है, मतलब वो घर चले गए, आज ड्यूटी साफ कर दिए गए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो वहाँ से बर्खास्त हों और उनके खिलाफ मुकदमा हो। तो ये जानकारी किससे मिली कि वो घर चले गए? ये वहाँ के जो चीफ डॉक्टर के जो शिवशंकर जी थे शायद अधिकारी वहाँ पे, उन्होंने ये बात हमको बताई। क्या